लोगों ने बड़ा सोचना बंद कर दिया है, इसके बारे में बात करूंगा। बरनामे डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आजकल के ये बहुत फास्ट लाइफ में लोग सर्वाइवल के मोड में हैं, सर्वाइव करना है हर एक को। बस एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक भागम भाग, भागा दौड़ी चालू है, और कैसा भी करके उसको जीवन जीने का है, जीने का है, और अपना तालमेल जो है खर्चे का वो मिलाने का है, उतना इनकम कमाने का है, हो गया तो बहुत हो गया। उसमें इसमें ये करते करते लोगों को टाइम भी नहीं है बड़ा सोचने के लिए। मैं हरदम ये बोलता हूँ कि बड़ा सोचो, थिंक बिग, थिंक बिग, बहुत बड़ा सोचो, बड़ा विजन रखो, बड़े ड्रीम्स रखो, क्योंकि बड़े ड्रीम्स, बड़ा विजन देखने के लिए आपको कोई पैसे लगते नहीं है। ऐसा रहता था कि ठीक है आप बड़ा सोचते हैं और बड़ा सोचने के पैसे लगते हैं, आपके बैंक अकाउंट में से खटाक से पैसे कम हो जाते हैं, तो भी ठीक है, भाई बड़ा मत सोचो कि फालतू पैसे कट रहे, बड़ा सोचने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको बड़ा कुछ भी काम करना है, बड़ा बनने का है, लाइफ में बड़ा कुछ प्लान करने का है, बिजनेस बड़ा करने का है, तो सबसे पहले जो बात होगी वो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, उसका बड़ा चिंतन करना पड़ेगा, पहले बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, कैसे कृति करना, एक्शन कैसे करना, वो बात की बात है। इसलिए हरदम बड़ा सोचो, थिंक बिग, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि बड़ा सोचना किसी के बाप की जागीर नहीं है, ऐसा धीरूभाई अंबानी ने कहा है। तो बड़ा सोचो, बड़ा सोचने को कुछ पैसे लगते नहीं, लोग बोलते नहीं मगर मैंने बड़ा सोचा और वो हुआ नहीं, तो हुआ नहीं तो नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है। आप बड़ा सोचो और वो बड़ा सोचने के बाद में लोगों को शेयर करो आपकी संभावना जो है, आपने जो संभव किया ऐसा लगता है आपको, या वो होगा ऐसा आपको लगता है, आपको लगता है कि वो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबल होगा, और नहीं भी लगता है समझो कि वो पॉसिबल होगा, ऐसा लगता भी नहीं है, सोचा है अपना कि ये पॉसिबिलिटी है, लोगों को शेयर करो। लोगों को जब आप शेयर करेंगे, बार 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 लोगों से बातचीत करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, आपके घर में पोस्टर लगाओ, इतने इतने साइज के, हाथ भर के साइज के पोस्टर बनाओ छोटे छोटे, वो लिखो कि मेरा ये प्लान है, समुद्र के किनारे बहुत बड़ा बंगला मुझे होना है, समुद्र के किनारे ऐसा दिन मुझे है कि समुद्र के किनारे बस शान से बैठे हुए, ठंडी हवा है, ऊपर छाता हुआ लगा हुआ है, ठंडी हवा में गरम गरम कॉफ़ी पी रहे हैं, बस वो अपना सपना है, वो करने का है, पैसिव इनकम लाना है और वो करना है। सोचो, सोचने में क्या प्रॉब्लम है। नहीं, अपने को क्रूज़ पे जाना है, 15 दिन तक हम क्रूज़ पे जाएंगे और क्रूज़ में जाके एंजॉय करेंगे, या मुझे बड़ी कार लेना है, BMW लेना है, मर्सिडीज लेना है, लैम्बोर्गिनी लेना है, जो भी है वो बड़ी कार लेना है, और वो कार का चित्र सामने रखो, बड़ा बिजनेस 1000 करोड़ की कंपनी करना है, वो सोचो, वो आप सोचेंगे उसके पैसे बिल्कुल लगते नहीं है। आपको सोचने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा यस, क्योंकि अंदर से इतना रेजिस्टेंस आता है, सोचने के लिए भी रेजिस्टेंस आता है, नहीं मेरे से होगा नहीं, मेरे संभव नहीं है, ये तो अपने जीवन में पॉसिबल नहीं है, फिर क्यों सोचना, भी सोचने में क्या प्रॉब्लम है, सोचने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सोचना ये सबसे बड़ी पायरी है बड़ा बनने की। और इसलिए सोचना चालू करो, बड़ा सोचना चालू करो। लोगों ने आजकल के बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में सोचना ही बंद कर दिया है, उनका सिर्फ एक ही सोच है कि भाई कैसा भी करके अपना लाइफ कैसे चलाना, अपने फैमिली को कैसे देखना, और इसलिए लोग बड़े बनते नहीं हैं। जो बड़ा विजन देखते, बड़े ड्रीम्स देखते, बड़ा सोचते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं बार 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 बार, सेल्फ सजेशन देते हैं, सेल्फ अफर्मेशंस देते हैं, तो वो होते रहता है, वो होते जाता है, क्योंकि एक बार वो अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गया तो फिर सबकॉन्शियस माइंड ही आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा, आप एक्शन लेना चालू करेंगे। तो बड़ा सोचो। थैंक यू वेरी मच।